पढ़ते हैं कि रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर, इसमें कुछ चीज आ जाएगा हम लोग का जो बीच में गजट वगैरह में आता है ना, बायोलॉजी वगैरह में पब्लिश होता है, उससे रिलेटेड चीज है, ठीक है ना, कि विड्थ ऑफ होल रोड क्या होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग डंपर वगैरह चलता है तो उस होल रोड का विड्थ क्या होना चाहिए, अगर वन वे है तो क्या होना चाहिए, अगर वन वे पॉसिबल नहीं है, वन वे पॉसिबल नहीं है तो उस केस में क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर वन वे रहेगा, ठीक है ना, वन वे मतलब क्या, ये वन वे हो गया मतलब इधर से गाड़ी जाएगा, एक रोड में क्या रहेगा, सिर्फ जाने के लिए रहेगा डंपर, और दूसरा रोड देंगे उसको सिर्फ आने के लिए, आने जाने का रास्ता सेपरेट रहेगा। तो उस केस में क्या बोलता है कि जो विड्थ होना चाहिए, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर, जो भी लार्जेस्ट सबसे ज्यादा चौड़ाई वाला जो भी मशीनरी चल रहा है ना, उसका विड्थ प्लस 5 मीटर होगा। लेकिन अगर वन वे पॉसिबल नहीं है, ये सेपरेट रास्ता है, मतलब अलग अलग रास्ता देना पॉसिबल नहीं है, अब मान लो एक ही रास्ता दे रहे हैं, ये इतनी चौड़ा है, एक ही रास्ता दे रहे हैं, इधर से जा रहा है, इसी में आ रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, विड्थ जो होना चाहिए वो 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 3 लग जाएगा, यहाँ पे था विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है ये डायरेक्ट पूछ दे, नहीं तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा दे दे वो, कि जो सबसे चौड़ा मतलब वाइडेस्ट मशीन जो चल रहा है रोड पे, वो मान लो उसका विड्थ 15 मीटर है और वन वे पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में इस रोड का चौड़ाई क्या होगा, वन वे पॉसिबल नहीं है तो उस केस में रोड का चौड़ाई क्या होगा, 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर, मतलब 50 मीटर, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये क्या है, पूरा वन वे है, गाड़ी सिर्फ जा रहा है, एक भी गाड़ी उधर से आ नहीं रहा है, ये क्या हो गया, वन वे हो गया। तो एक तरफ इधर जाने का रास्ता है, तो कहीं ना कहीं रास्ता दिया होगा उधर से आने का। अब क्या है, टू वे में क्या हो रहा है, जब वन वे नहीं हो रहा है, मतलब क्या कि इसी रास्ता में क्या कर रहा है, गाड़ी जा भी रहा है आ भी रहा है, तो उस केस में थोड़ा हम लोग को चौड़ाई बढ़ा देना होगा, चौड़ाई क्या करना होगा, बढ़ा देना होगा, तो वो चौड़ाई क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। अगर वन वे रहता तो वन वे में क्या करते हैं हम लोग, 20 मीटर का दे देते रास्ता, एक 20 मीटर जाने के लिए, एक 20 मीटर आने के लिए, खत्म था बात इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, वन वे पॉसिबल नहीं है, एक ही रोड में जाना है आना है, तो उस केस में हम लोग का देखो रोड का चौड़ाई क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। देखो ये हो गया क्या, इसी में जाना भी है, इसी में आना भी है, तो इसलिए हमको थोड़ा रोड का चौड़ाई बढ़ा देना पड़ा, ये हो गया 3 टाइम्स LV प्लस 5 मीटर। तीस चीज का ध्यान रखना है, होल रोड का ग्रेडियंट 1:16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है, एक बेंच से दूसरे बेंच में जाने के लिए, ठीक है ना, ये एक बेंच है मान लो, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, कि इस बेंच से इस बेंच में जाना है, इस बेंच से इस बेंच में जाना है, तो डंपर क्या है, स्पीड अच्छा रहता है, वो तुरंत चल सकता है, लेकिन क्राउलर माउंटेड मशीन जो होता है, अगर उसको हम लोग डंपर वाला रोड से ले जाने लगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका चलने का स्पीड बहुत कम होता है। तो क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए क्या करते हैं, कि एक बेंच से दूसरे बेंच में जाना है ना, मान लो इस बेंच से इस बेंच में जाना है, तो हम लोग रैंप बना देते हैं, क्या करते हैं, रैंप बना देते हैं, रैंप बना दिए, रैंप का क्या होता है, ग्रेडियंट 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 1:10, और रैंप का यूज सिर्फ क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए यूज करना चाहिए, उसमें हम लोग टायर माउंटेड मशीन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि टायर माउंटेड मशीन का दे दिया है डंपर का 1:16 से स्टीपर नहीं होना चाहिए, डंपर पता चला कि वापस बैक भागने लगा, ऐसा हो सकता है,
ग्रेडियंट जो रहेगा रैम का 1 in 1060 पर नहीं होना चाहिए, एंड इट्स अ स्ट्रेच सेल नॉट बी मोर देन 50 मीटर इन वन स्ट्रेच। मतलब क्या कि एक बेंच से दूसरे बेंच में जाना है, ठीक है ना, एक बेंच से दूसरे, मान लो इस बेंच से इस बेंच में जाना है, और मान लो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दूरी है, ये 100 मीटर का मान लो, अगर ऐसा सीधा एक बार बना देंगे ग्रेडियंट इंक्लाइन, मतलब इस तरीके से रास्ता बना देंगे, रैंप बना देंगे, तो इस रैंप का लेंथ देखेंगे 100 मीटर हो जा रहा है। तो हम लोग 100 मीटर एक बार में कभी नहीं रखना है, उसके लिए क्या करना है, 50 मीटर कम से, एक स्टेज में सिर्फ 50 मीटर ही जा सकते हैं। मतलब क्या, एक बार इधर लाएंगे कहीं, या इधर लाएंगे इस तरीके से, मान लो इधर ले आए, ठीक है ना, इधर ले आए, उसके बाद इधर से फिर इस तरीके से चलाएंगे, कि मतलब डिस्टेंस कभी भी एक बार में 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एक बार में जो स्ट्रेच होना चाहिए रैंप का, वो 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना, वही दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो HMM चल रहा है, डंपर चल रहा है, ठीक है ना, अब कहीं कॉर्नर आ गया इस तरीके से, कहीं बेंड आ गया, तो ऑपरेटर को मान लो क्या होता है, देखो बेंड आ गया, जैसे ये इसी रोड पे मान लो डंपर चल रहा है, अब जब ऑपरेटर यहाँ आएगा ना, तो यहाँ मतलब इस जगह पे ब्लाइंड एंड हो जाएगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं कि सामने से क्या आ रहा है, टर्न के कारण, कर्व के कारण। तो क्या बोला जाता है कि जो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए ना, क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस, कि जहां तक जो ऑपरेटर को क्लियरली दिखे, वो होना चाहिए 3 टाइम्स इन द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 टाइम्स होना चाहिए। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है वो देखो, ठीक है ना, ब्रेकिंग का स्पेलिंग BREAKING, ठीक है ना। देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, इधर से तुमको एक क्या है यार, हिरन मान लो नजर आ गया, ठीक है ना, ये हिरन नजर आ गया इधर से सामने से दौड़ते हुए। तुम क्या किया, तुम जैसे देखे हो तुरंत है कि कुछ रिएक्शन टाइम लेता है, थोड़ा दिमाग काम करने में थोड़ा होता है ना, टाइम लेता है, ठीक है ना, कुछ रिएक्शन टाइम लेता है, और तुम रिएक्शन टाइम लेके इतना टाइम निकल गया, अब तुम ब्रेक यहाँ अप्लाई करो, ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करो, अब जब तुम यहाँ ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो गाड़ी आकर इस जगह पे रुक रहा है, तो यही ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। तो वो वहां पे क्या दिया हुआ है कि जो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए ना, वो 3 टाइम्स इंटू ब्रेकिंग डिस्टेंस, 3 टाइम्स इंटू ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना। जब स्पीड रहेगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड दिया हुआ रहता है, सभी डंपर वगैरह में दिया हुआ रहता है कि जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा ना, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या, मतलब ब्रेक अप्लाई करेंगे यहाँ पे और कितना दूरी पे जाके रुक रहा है, मान लो ये 20 मीटर जाके रुक रहा है, मान लो डंपर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ब्रेक अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद मतलब ब्रेकिंग बिगिंस है ना, ब्रेक यहाँ लगाना स्टार्ट किए हैं, कहाँ जाके कार रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है डंपर, तो उस केस में जो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए 3 इंटू 20, मतलब 60 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कि दूर में ही दिख जाए, 60 मीटर दूर पे ही मतलब कोई वस्तु आ रहा है, तो हम लोग कि ब्रेक लगाएंगे तो है कि वहां तक रुक जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये कर्व के केस में है, लेकिन अगर क्या है क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्या है क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस कि यहां से दिख जाए, मतलब अगर यहां पे चल रहा है तो 60 मीटर तक, अगर 40 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है और 20 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो 60 मीटर तक का उसको क्लियर दिखना चाहिए, यहां आएगा तो 60 मीटर तक उसको क्लियर दिखना चाहिए सामने एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हो रहा है कि अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, मान लो जैसे यहाँ पेड़ पौधा आ गया है, इन्वायरमेंटल वाला पेड़ पौधा काटने देगा नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कि जब हम लोग विजिबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाएंगे, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू इंश्योर विजिबिलिटी, मतलब जो ऊपर का दिया हुआ है क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर ये इंश्योर नहीं कर पा रहे तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो उस केस में कर्व पे हम लोग 2 रोड दे देंगे, ये जो कर्व ऐसा आ रहा है ना,
यहाँ पे सेपरेट रोड दे देंगे, एक तरफ से जाओ और दूसरे तरफ से आओ, फिर ये कहीं आके इसमें मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। मिले हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कर्व पे क्या करेंगे हम लोग, दो सेपरेट रोड दे देंगे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, ठीक है ना। आगे चल के ये ऐसा मिल जाएगा, लेकिन कर्व पे हम लोग क्या रहेगा, दो सेपरेट रोड रहेगा। और जो प्रत्येक रोड रहेगा ना, उसका विड्थ क्या रहेगा, 2 टाइम्स प्लस 3, मतलब 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा पिक्चर वगैरह लगा के रखे हुए हैं, ठीक है ना, कि इजिली समझ में आ जाए कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस क्या होता है। अगर कर्व में क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करना होगा हम लोग को, तो उस केस में हम लोग वहां पे क्या करेंगे, दो सेपरेट रोड प्रोवाइड कर देंगे, एक जाने के लिए एक आने के लिए। और प्रत्येक का रास्ता क्या होगा, 2 टाइम्स इंटू लार्जेस्ट व्हीकल का चौड़ाई प्लस 3 मीटर, और बीच में डिवाइडर लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या चीज का, विड्थ ऑफ द होल रोड जो पढ़ रहे थे, रोड्स फॉर ट्रक एंड डंपर क्या होना चाहिए। अब पढ़ते हैं थोड़ा, बर्म क्या होता है, पैरापेट वाल क्या होता है, ये सब पिक्चर वगैरह, ये सब कैलकुलेशन में तुम लोग को नहीं जाना है, ठीक है ना। बर्म एक तरीके से क्या होता है, देखो बर्म यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये डंपिंग कर रहा है, डंपिंग में हम लोग बर्म बना के रखे हुए हैं, कि डंपर क्या है, इसका जो टायर है यहाँ पे टच कर जाए, मतलब डंपर वाले को भी समझ जाए कि हमको इसे पीछे नहीं जाना, एक तरीके से सेफ्टी के लिए दिया गया है। ऐसा क्यों दिया गया है, क्लियर व्यू डिस्टेंस वो डिपेंड करता है स्पीड पे कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, वो जो बुक देता है ना, कोई भी गाड़ी लो मैनुअल देता है ना, तो मैनुअल में वो सारा चीज लिखा हुआ रहता है, क्लियर व्यू डिस्टेंस क्या, कि मान लो तुम्हारे माइंस में लिमिट है कि डंपर को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना है, तो 30 किलोमीटर वह में देख लो क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस क्या है, ठीक है। साउंड्स नहीं है क्या बोल रहे हो यार, साउंड सबको सुनाई दे रहा है, क्लियर है, साउंड में किसी को दिक्कत हो रहा है, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या, साउंड सबको सुनाई दे रहा है। ब्रिज किशोर तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसलिए तुम्हारा साउंड थोड़ा नहीं आ रहा होगा तुमको, मेरा साउंड नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है। बर में क्या होता है, बर्म एक तरीके से सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्या हुआ था, वो ऐसा कुछ केसेस हुआ था, सीसीएल का ही एक माइंस था, ठीक है ना, कि ये बर्म में नहीं प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, बर्म नहीं दिया गया था। अब क्या हुआ, ये जब डंपर पीछे आया ना, ऑपरेटर को पता नहीं चला, रहा वो नीचे गिर गया, ऐसा केस सीसीएल में हुआ, ऐसा केस बीसीसीएल में हुआ। तो फिर क्या किए, जो माइंस के ओनर होते हैं, जो डीटी वगैरह होते हैं, जो भी कंपनी डंपर वगैरह बनाता है, मान लो बीएमएल हो गया, कोमात्सु हो गया, ठीक है ना, और कोई कंपनी है जो बनाते हैं डंपर, तो उसको बताएं कि जब एक बार डाला उठ जाए ना, अगर ये डाला जब उठ जाए तो डंपर पीछे ना भागे, जब डाला उठ जाए तो ये डंपर पीछे ना भागे, तब से ये कॉन्सेप्ट आया है क्या। तो ये सेफ्टी के रूप में हो गया कि अगर एक बार डाला उठ जाएगा ना डंपर का, तो डंपर आगे चल सकता है लेकिन पीछे नहीं भाग पाएगा, पीछे नहीं आ पाएगा। अब पहले क्या था कि जो बर्म का हाइट था, ये जो डायमीटर है ना, इसका हाफ ही होता था, मतलब मिड एक्सल हाइट बोला जाता था उसको, मिड एक्सल हाइट। लेकिन देखा कि मिड एक्सल हाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मिड बर्म देते हैं फिर भी है कि मिड एक्सल हाइट वाले बर्म के कारण क्या हो रहा है, डंपर पलटी कर जा रहा है, और डाला उठा हुआ है, डंपर पलटी कर जा रहा है। तो पहले डाला में सुधार किया गया, डाला में सुधार नहीं किया गया, डाला में क्या किया गया, अगर डाला उठ जाता है एक बार, डाला लिफ्ट हो गया, तो फिर डंपर पीछे नहीं भागेगा। दूसरा क्या किया गया कि ये जो आपका मिड एक्सल हाइट, जो आप टायर का डायमीटर जितना है उसका हाफ ही पहले रखता था, बम हाइट जो होता था ना,
टायर का जो भी डायमीटर है, डायमीटर का हाफ ही रखते थे, लेकिन अब क्या बोला है कि टायर का जितना डायमीटर है, फुल हाइट ऑफ डायमीटर, इतना हाइट का कम से कम हम लोग को बर्म बनाना ही है, एटलीस्ट इतना हाइट का, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो बर्म का हाइट क्या हो गया? हाइट ऑफ बर्म विल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ द टायर ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल डिप्लॉयड इन द माइंस। मान लो कोई डंपर 120 टन का डंपर चल रहा है और उसी माइंस में 60 टन का डंपर चल रहा है, तो मान लो 60 मीटर जो 60 टन वाला डंपर है उसका टायर का डाया मान लो 5 फीट का है। ब्रिज किशोर, तुम एक बार एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करो, ठीक है ना? और जो 120 टन वाला डंपर है, अब मान लो इसका डाया है 8 फीट का, अगर हम लोग 60 फीट के अकॉर्डिंग अगर बर्म बना देंगे, बर्म का हाइट डिसाइड कर देंगे, तो क्या होगा? 120 टन वाला फिर हो सकता है कि 5 फीट का है, वो गिर सकता है नीचे। इसलिए क्या बोला जाता है कि जो लार्जेस्ट व्हीकल जो डिप्लॉयड है ना, जिसका सबसे ज्यादा डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बर्म का डिजाइन करेंगे, बर्म का हाइट रखेंगे। तो बर्म का हाइट मान लो 120 टन वाला डंपर है, इसका डाया 8 फीट है, तो हम लोग बर्म का हाइट क्या हो जाएगा? 8 फीट हो जाएगा, ठीक है ना? 8 फीट से कम नहीं रखेंगे। तो उस केस में क्या है, 5 फीट वाला भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, सेफ रहेगा गाड़ी। इस चीज का ध्यान रखना है कि बर्म का हाइट क्या होना चाहिए। अब एक होता है पारापेट वाल होता है, एम्बैंकमेंट होता है। तो जनरली ये बोला जाता है कि पारापेट वाल, एम्बैंकमेंट वगैरह जो भी बनाते हैं ना हम लोग, देखो जैसे यहाँ पे माइंस में देखो ये क्या किए हैं, साइड में हम लोग पारापेट वाल और एम्बैंकमेंट दोनों किनारे को हम लोग, इधर क्या है खाई है, मान लो इधर क्या है, यहाँ तो रोड है लेकिन नीचे खाई है, और मेरा अनप्रोडक्टिव साइड है, इधर माइंस हम लोग को नहीं लेके जाना है, इधर मेरा माइंस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? इधर माइंस मेरा नहीं बढ़ेगा, तो हम लोग क्या किए हैं, साइड में पारापेट वाल या इम्बैंकमेंट दे दिए। बोला जाता है कि पारापेट वाल, इम्बैंकमेंट, माइंस वाला जो डंपिंग मटेरियल है ना, उसका यूज करके नहीं बनाना, उसका यूज करके नहीं बनाना चाहिए माइंस वाले मटेरियल का, इसके लिए कुछ अलग से मटेरियल मंगवाना चाहिए जिसका यूज करके हम लोग पारापेट वाल या एम्बैंकमेंट बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग बना देते हैं माइंस वाला यूज करके बना देते हैं, ठीक है? तब देखो इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है कि विड्थ क्या होना चाहिए पारापेट वाल का। तो देखो हम लोग जो बर्म या पारापेट वाल है ना, हम लोग दो शेप में बना सकते हैं, या ट्रेंगुलर शेप में या ट्रेपेजॉइडल शेप में। कुछ लड़का लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ब्रिज किशोर, आवाज का प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम एक बार एग्जिट करके वापस से आओ। कुछ लड़का लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है यार? छोड़ो, नहीं कर पा रहा, छोड़ो, उन लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। बर्म और पारापेट वाल क्या होता है बता दिए, सेफ्टी डिवाइस, एक तरीके से सेफ्टी के रूप में काम करता है। बर्म लगाने से क्या होता है कि हम लोग को सेफ नजर आता है, सर घूमेगा नहीं। जैसे मान लो तुम छत पे चढ़ जाओ, नीचे देखो, और किनारा में छत पे है ना, पिछले लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिए थे कि मान लो छत पे रेलिंग वगैरह नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना? ये ऊपर हाइट होता है ना, उठा देते हैं दीवार को, मान लो इस तरीके से, वो नहीं दिया हुआ, सीधा नीचे देखो तो डर लगता है, लेकिन वही अगर साइड में हम लोग वाल दे देंगे चारों ओर, तो क्या डर कम हो जाता है। तो वही एक तरीके से वो सेफ्टी के रूप में काम करता है। और ये क्या है, शेप क्या हो सकता है, या ट्रेंगुलर शेप का हो सकता है या ट्रेपेजॉइडल शेप का हो सकता है। तो बर्म जो इम्बैंकमेंट की बात कर रहा है या पारापेट वाल की बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि टॉप में 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और बॉटम में जो विड्थ है, अरे यार क्यों परेशान कर रहा है। हेलो हेलो, ठीक है ना? इसका टॉप में क्या होना चाहिए, विड्थ 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? टॉप में जो विड्थ है ये बी, ये 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और ये बॉटम में जो है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ये हाइट कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए द हाइट नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट टायर ऑफ द व्हीकल फ्लाइंग ऑन द रोड। जो सबसे बड़ा व्हीकल है, जिसका सबसे बड़ा
टायर है, डाया है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला जाता है, देखो अभी जो बता रहे थे, डंपिंग ऑफ मड और ओवर बर्डन शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रॉन्ग पारापेट वाल। स्ट्रॉन्ग पारापेट वाल ओवर बर्डन हम लोग डंप करके बना देते हैं, उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग कुछ अलग मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया तुम लोग का होल रोड का जुड़ाई वगैरह क्या होना चाहिए, और बर्म और इम्बैंकमेंट या पारापेट वाल वगैरह क्या होता है। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ वेगन्स, ठीक है ना। 102 में दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ वेगन्स, मतलब क्या, ये जो साइडिंग वगैरह में आके लगता है ना रेक लोडिंग के लिए, तो उसके लिए क्या दिया हुआ है। यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए, 10 नंबर और 11 नंबर। क्या है, नो मेटेरियल शेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन 1.2 मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द ट्रैक ऑफ रेल्स, ठीक है ना। ये मान लो एक, लड़का ही एक है यार, क्या हो गया उसको, वीडियो बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना तुम, ठीक है ना। क्या बोला है, ये ट्रैक हो गया, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, होल रोड रहे या कन्वेयर रहे, तो 1 मीटर क्लियर डिस्टेंस चाहिए दोनों साइड पिलर वगैरह से। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ट्रैक रहे है जिसमें रेलवे वैगन चलेगा, तो नो मेटेरियल शेल बी प्लेस्ड और डम्प्ड विद इन 1.2 मीटर फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द ट्रैक और रेल्स। जो ट्रैक और रेल्स है उसके दोनों ओर इधर भी 1.2 मीटर तक कोई मटेरियल डंप नहीं करना है, मतलब 1.2 मीटर तक क्लियर रहना है। ट्रैक रेलवे का ट्रैक रहा तो इधर भी 1.2 मीटर, इधर भी 1.2 मीटर, हमेशा एकदम क्लियर रखना है, कोई मटेरियल नहीं फेंकना है। सेकेंड में क्या बोला है कि जहां पे मान लो क्या हो रहा है, वेयर वेयर एवर रेलवे वेगन्स आर स्पेशली प्लेस्ड सो एज टू एफोर्ड ए थोरोफेयर, मतलब क्या कि रेलवे वेगन जो है कहीं पे आके उस रेक लोडिंग के लिए लग रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में उसका जो आसपास में जो है ना उसको क्लियर स्पेस मिलना चाहिए, वो होना चाहिए 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ये रेलवे कहाँ था वैगन, ये रेलवे वैगन हो गया, ठीक है ना। पहले तो पटरी की बात किया कि यहाँ से 1.2 मीटर इधर भी और इधर भी 1.2 मीटर, कोई मटेरियल डंप नहीं करना। अब ये कहीं रेक लोडिंग के लिए आके लग गया है, तो उस केस में थोरो फेयर जो होना चाहिए, जो एक तरीके से इसको क्लियर स्पेस मिलना चाहिए, अगल बगल में कुछ दूसरा वैगन नहीं ला के लगा देना है, तो वो डिस्टेंस कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। तो ये चीज जो ध्यान रखना है कि मूवमेंट ऑफ वैगन से यही दो क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है दोनों का दोनों क्वेश्चन दे देने।